तो इस वाली वीडियो के अंदर हमें जो लास्ट का पार्ट है, जैसे अमाइंस है, नाइट्रो है, साइनाइड है, इनके बीच के जो डिफरेंसेस है और किन कीवर्ड्स के ऊपर हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो अगर हमें अमाइंस के बारे में बात करनी हो तो अमाइंस का सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्राइमरी अमाइन लिखा RnH2, सेकेंडरी लिखी तो RnH और टर्शियरी लिखी तो RN। अब यहाँ पे इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके पास सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसे डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, ये ठीक है कि अमाइन है, लेकिन इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो एसेंशियली क्या देखोगे, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, वापस आते हैं उसके ऊपर, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं, ये इनका बेसिक तरीका है, हिंसबर्ग रिएजेंट। स्ट्रक्चर कैसे हो गए, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ सारा खेल कैसे है, पहले एक एच और एक सी एल, अब भी कंपाउंड के पास एक एच है, अगर ये एसिडिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो यहाँ पे ये क्या है, बेस है ना। तो ये सारा खेल इस बात के कि पहले ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों करेगा भाई, 1 डिग्री भी करेगा एच सी एल, 2 डिग्री भी करेगा, क्यों, उसके पास भी तो एक एच है ना, 3 डिग्री करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसे सी एल को बाहर निकालने के लिए जिस हाइड्रोजन की जरूरत है वो हाइड्रोजन ये तो नहीं है, क्योंकि ये अब तुम्हें दिखेगा दोनों साइड हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है और इसका कुछ भी नाम नहीं है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के दोनों रिएक्ट करने हैं, किसके साथ, बोलो किसके साथ रिएक्ट करने हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये हिंसबर्ग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, लेकिन 3 डिग्री नो रिएक्शन। तो चलो पहली नज़र में तो हमने इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया, कैसे, जो नहीं करा वो 3 डिग्री, जो कर रहा वो 1 डिग्री और 2 डिग्री, लेकिन अगर दोनों ही करे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री करे तब कैसे डिफ्रेंशिएट करे, तो जिसके पास एक हाइड्रोजन रह जाएगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके पास नहीं रहा वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहली केस में देखो लिखा होगा सॉल्युबल इन KOH, दूसरे केस में लिखा होगा इनसॉल्युबल इन KOH, लिखा है कहीं, ये तो सॉल्युबल है ना, वो तो 1 डिग्री है सॉल्युबल है, यहाँ पे देखो इनसॉल्युबल इन KOH, क्यों, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन नहीं है, क्यों रिएक्शन नहीं है, इस N के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, लेकिन यहाँ पे इस N के पास एक हाइड्रोजन था। अबे यहाँ पे देखो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, अगर 1 डिग्री अमाइन है तो आइसोसाइनेट जनरेट करेगा, लेकिन 2 डिग्री अमाइन इसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ 1 डिग्री को सेपरेट कर सकते, क्योंकि वो साइनाइड बना रखा, आइसोसाइनाइड बना रखा है, बाकी दो रिएक्ट ही नहीं करते। तो बाकी जब दो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है बता सकते हैं क्या। और एच ओ, अब ये जो 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एल्कोहल बना रहा, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अमाइन के साथ रिएक्ट ही नहीं करना। एक और भी है कि अगर हम बेंजीन, अगर हमने मान लो एरोमेटिक अमाइन की बात करें, एलिफैटिक अमाइन ने क्या बनाया, एलिफैटिक अमाइन ने क्या जनरेट करा, एल्कोहल, एरोमेटिक अमाइन ने क्या करा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दी, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जो कलर चेंज है वो उतना विजिबल नहीं है, तो क्या करा, उसे बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करा और ये ऑरेंज डाई जनरेट हो जाती है। ये जो एलिफैटिक अमाइन है वो इस सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन के अंदर ऑरेंज डाई जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जगह क्या बनाएगा, एल्कोहल, और एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन है इस वाली सॉल्ट का, वो कभी भी ऑरेंज डाई क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये ऑरेंज डाई का फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस लिखो, इसके फॉर्मूले लिख लो, एलिफैटिक 1 डिग्री एंड एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। तो एक बार बात ही कर लेते हैं ना, अगर एच ओ एन ओ है तो एलिफैटिक अमाइन क्या देगा, एल्कोहल, अगर एरोमेटिक अमाइन है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देगा, ये पहली बात है। आगे अगर वो बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करा तब ये प्रोडक्ट आने, ये प्रोडक्ट हर बार है ऐसा नहीं होता, ये प्रोडक्ट तभी है जब बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट कर रहा। बीटा नेफ्थॉल का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है कि बीटा नेफ्थॉल क्यों कह रही और क्यों कह रहे हैं वो भी समझ लो। ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन में, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है ये बीटा है, इसलिए इसका नाम बीटा नेफ्थॉल है। अगर यहाँ पे होता तो अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है,
अब यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे हो रही वो समझ लो, यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे, ये देखो ये जो सी एल है इसने इस हाइड्रोजन को नहीं बल्कि इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला है। देखो इसने इस हाइड्रोजन को नहीं, यहाँ का जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को लेकर ये गायब हो रहे, दिख रहा। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में एक ऑप्शन ये होता है कि ये सी एल एच गायब करके यहाँ पे सी एल डाल दो। लोग मासूम बच्चे वैसे ही करते, क्यों, यहाँ पे लॉजिक उन्हें समझ आता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, मगर उन्हें ये समझ नहीं आता कि अगर यहाँ से सुनो, सभी सुनो, ये सवाल जनरेट हो जाता कि ये एच क्यों नहीं बाहर गया, इस वाली एच को बाहर क्यों निकाला। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर हम इस वाली एच को बाहर निकालें तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन बिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैनॉट हैव पॉजिटिव चार्ज। उसका उल्टा करते कार्बन के ऊपर डालो, अब क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, साथ में ये जो बेंजीन रिंग है ये इसे रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज करेगा। तो पर्पस ये है कि हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन या कार्बोन आयन जनरेट करने हैं। लॉजिकली एसिडिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आसानी से बाहर आ जाने चाहिए थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे क्योंकि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस कॉन्फिग्रेशन। समझ आ गई बात? तो दोनों का आंसर ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन क्यों बाहर आता, वो हाइड्रोजन क्यों नहीं बाहर आ रहा, कि अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना हो, किसे, आइसोसाइनाइड और साइनाइड को, आइसोसाइनाइड और साइनाइड को सेपरेट करना हो तो क्या तरीका है। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर हम इसे हाइड्रोलाइज कर दें तो ये एसिड बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा अमाइन। क्या बनेगा, अमाइन। यहाँ पे एन के साथ एच और एसिड इसके साथ आ जाने हैं, तो यहाँ पे मेन है एसिड और इसमें मेन है अमाइन, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर हम इसे रिड्यूस कर दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसे रिड्यूस कर दें, तो पहला पार्ट रिड्यूस होकर CH2NH2 बनना है, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा, CH2NHCH3। तो पहले ने जनरेट करा 1 डिग्री अमाइन और दूसरा क्या जनरेट कर रहा, कौन सा डिग्री अमाइन है, ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री। पिटना है क्या, 1 पे 2 हाइड्रोजन, 2 पे 1 हाइड्रोजन। तो दो तरीके हैं, एक तो इससे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन बना, इसे हिंसबर्ग रेजेंट के साथ सेपरेट कर लिया। दूसरा तरीका है इस वाले में एसिड जनरेट हो रहा है, इस वाले में अमाइन, ये एसिड के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, ये अमाइन के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। आगे देख लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आगे लिखा होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ देखो इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या बनाया, प्रोपोनोइक एसिड, और इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या बनाया, इथाइल अमाइन, अभी डिस्कस करा था, किया था ना। अब वो भी देखते कैसे होता, कैसे, मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, देख लो बड़े ध्यान से, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसके आगे कुछ भी लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। वाटर के केस में एच पॉजिटिव है, ओ एच निगेटिव है। एच पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आर के साथ बहुत सारे ओ एच आ जाने हैं और एन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाना है, एक कार्बन के ऊपर इतने सारे ओ एच रह नहीं सकते, तो एच टू ओ बाहर, तो ये बना एसिड, ये बना वही, कोई शक तो नहीं है, नहीं सर। अब अगर हमने इसका उल्टा करा आर एन डबल बॉन्ड से, ठीक है ना, आर एन डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस बार क्या होगा, ये अपना नेगेटिव है और ये अपना पॉजिटिव है, ऐसा होगा या उल्टा होगा, ये ऐसा होगा उल्टा होगा, ऐसे ही होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा और यहाँ पे ओ एच नेगेटिव, तो ये इस तरह पहले, ये एक्चुअली इस वाले केस में क्या होगा, पहले ये बाहर जाएगा फिर यहाँ पे अटैक होना है, ठीक है। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये बना आर एन एस टू और जो बाहर की साइड पे है वो बना एसिड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे बनाया, पहले एसिड बनाया, इस वाले केस में अमाइन बनाया और प्राइमरी ये बनाया। अब अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये एक अलग सा स्टेटमेंट है कि AgNO3 के साथ करा तो सिल्वर मेरे टेस्ट दिखा रहा, ठीक है, एसिड के साथ करा तो सिल्वर मेरे टेस्ट दिखा रहा। अब ये एक सवाल है, ये कभी कभी आते हैं, यहाँ पे जो सवाल है वो समझ लो, ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो इथेन, और दूसरा आएगा नाइट्राइट, क्या फ़र्क है, जो उसके अंदर पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिंकेज आइसोमर, तो इसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, इसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच है, लिंकेज आइसोमर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमर।
तो इस वाली कंपाउंड में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझ लो। अगर हमने इस वाली कंपाउंड को यूज करो, यहाँ पे भी लॉजिक बहुत सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते एच ओ एन ओ, तो ये हो गया अपना एन ओ निगेटिव एच ओ, ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आएगा, उल्टा लिखा है ओ एच निगेटिव और एन ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ एच निगेटिव और एन ओ पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इस वाली केस में देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इस ओ एच के साथ, तो पानी बना। अब इसकी जगह पे अगर हाइड्रोजन निकला तो क्या जनरेट हो जाना है वहाँ पे, चार्ज। तो इस यहाँ पे बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एच और ओ एच ये गायब हो गए और इस एच की जगह पे क्या आ गया, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते तो कैसे एक जैसा चार्ज होना चाहिए, जब ऐड करते तो अपोजिट चार्ज, जब सब्स्टिट्यूट करते तो एक जैसा चार्ज। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो ये आ गए एन डबल बॉन्ड ओ, एन ओ, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, आगे होगा सूडो नाइट्रोलिक एसिड, लिखा नहीं लिखा ना लिखा नहीं, ठीक है। अब इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ देखो इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो ये OH है और ये हाइड्रोजन है, इन्होंने यहाँ से इसको बाहर निकाला तो ये इस तरीके का कंपाउंड जनरेट कर रहा है। पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ से H बाहर रखा है, इसका OH बाहर रखा है, अब एक डबल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे चार बॉन्ड दिखा रखे हैं, जब भी नाइट्रोजन के ऊपर चार बॉन्ड हो तो चार बॉन्ड हो नहीं सकता, एक पॉजिटिव नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है पी थ्री है ना कॉन्फिग्रेशन, जितना जितने पी में इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनेगा, तो ये तीन बॉन्ड बना सकता, फॉस्फोरस में पाँच बना सकते, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी सबसेल है, वैकेंट डी सबसेल है ना, यहाँ पे तो नहीं है, तो तीन बॉन्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चौथा बॉन्ड बना तो एक पॉजिटिव चार्ज, पांचवा बॉन्ड बनाया जो बन नहीं सकता तो दो पॉजिटिव चार्ज बन नहीं सकता। तो यहाँ पे ये लॉजिक है, अगर हम ओ एन ओ के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओ एन ओ के साथ ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा, नो ब्लड क्लियर रेट, तो ये इनके बीच का डिफरेंस है, एच एन ओ जब हमने एच एन ओ टू डाला या एच एन ओ डाला तो इसने नाइट्रोलिक एसिड जनरेट करा, ब्लड रेड क्लियर, इसने पहले स्टेज पर ही रिएक्ट नहीं किया, और ये AgNaOH लिखा हो या अमोनिया लिखा हो बात बराबर ही है, क्योंकि हम इसे बेसिकली बेसिक मीडियम में ले रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट है एक तरीके का ये। तो ये जो पार्ट है ना, ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन का पार्ट है, इसमें एक पार्ट है ओजोलिसिस जो हर पाँच मिनट के बाद आ जाता है। तो ओजोलिसिस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या अगर कहीं पे कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, कहीं कोई डबल बॉन्ड है तो इसमें करना क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर कैसा भी दे रखा हो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ओ थ्री है, जेड एन है और बाकी एच टू ओ टू, इसके साथ एच टू ओ काफ़ी लंबा सा सिक्वेंस है, वो ठीक है, बुकिस तरीका है, सही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है तोड़ दिया और आधा आधी बॉन्ड इधर आधी बॉन्ड इधर दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दिया, कहा रोना बंद, एक ऑक्सीजन इसको थमा दिया, एक ऑक्सीजन इसको थमा दिया और कहा रोना बंद करो, डिपेंड करता है इसके बाद, अगर इसके बाद एक ही कार्बन है तो एल्डिहाइड बनाओ, लेकिन अगर इसके बाद दो कार्बन है तो कीटोन बनाओ, तो जैसा भी इस वाली कार्बन के साथ बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करेगा कि एल्डिहाइड बनना है या कीटोन बनना है। तो मैकेनिज्म एक बात है, लेकिन अगर हमें जानना हो प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट जानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मान लो ऐसे करके करा हुआ है ना, और कहा इसकी एनालिसिस कर दी क्या बनेगा, तो क्या करें, इस वाली पार्ट को ब्रेक करते, इस वाली पार्ट को ब्रेक करते, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे और एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, ये देखकर मालूम होता है कि ये तो एल्डिहाइड बनेगा और ये भी मालूम होता है एल्डिहाइड ही बनेगा क्योंकि ब्रांचिंग इस वाली कार्बन पे, ब्रांचिंग इस वाली कार्बन पे तो है नहीं, ठीक है ना, ये तो एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन फिर ऐसे। अब ऐसे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है इसको इसकी ओजोनोसिस की क्या बनेगा बना दो, यहाँ देखो तो हर डबल बॉन्ड टूटे ना, जब उसके पास कार्बन ही छः है, यहाँ देखो जब कार्बन ही छः है तो कितनी बार भी तोड़ दो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कार्बन थोड़ी तोड़ रहे तुम। अब यहाँ देखो क्या करना है, ठीक है, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, तुमने छः ऑक्सीजन डाल दी है ना, क्या करा इसको पकड़ के ऐसे उठाया
तो ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, एक कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस वाली साइड पे देखो, यहाँ भी क्या है, दो कार्बन दो डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसे तीन तीन मॉलिक्यूल्स बन जाने हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2-diol। कोई शक है? तो ऐसे थ्री मॉलिक्यूल्स बन गए। किसमें? नहीं, विसनल तब होता है जब एक ही के ऊपर दोनों, मतलब ऐसे जो होते हैं उसको विसनल। नहीं नहीं नहीं, हाँ इसको विसनल कहते, इसको विसनल कह सकते हैं, लेकिन वो मोनो, जैसे वो सीएल के लिए होना है। हाँ ठीक है, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। अब यहाँ देखते हैं, इसमें इसमें क्या बनेगा, बनाओ। इन सब में बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ, इन सब में बनाओ, और एक और भी बना लो। इन सब के बनाओ, चारों के बनाओ। देखते चलो, पहले का देखते। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, क्या नाम हो गया, इस वाली कंपाउंड का नाम क्या हुआ, तो कार्बन कितने हैं, 1,2,3,4, तो नाम क्या हुआ इसका, ब्यूटेन, है ना, क्योंकि ए ने 1,4 डाई अल कीटोन तो है नहीं, एल्डिहाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तभी तो कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हुए, है ना। इस वाले को तोड़ा कैसे, तोड़ा ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होना है, 1,2,3,4 ऑक्सो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी, एक मिथाइल बच गया, है ना, तो यहाँ पे 4 और ये हो गया 5, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो ये, तो क्या लिखा, 4 ऑक्सो आगे बोलो, 5 का क्या है, पेंट, कोई डबल बॉन्ड है क्या बीच में, पेंटेनल। इस वाले को किया तो, इसको किया तो क्या बनना है, दोनों जगह कीटोन। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से कर लो, बराबर ही होना है, 1,2,3,4,5,6 ब्यूटेन क्यों, ब्यूटेन क्यों, हेक्स एन 2,5 चिको 2,5-diol। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इस बार क्या है, दोनों ही कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब कोई ब्रांचिंग है क्या, ब्रांचिंग था तो कीटोन, ब्रांचिंग था कीटोन, बिना ब्रांचिंग के एल्डिहाइड, तो ये दोनों एल्डिहाइड है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, 1,2,3,4, कहीं से भी करो एक ही नंबर आना है। तो इस बार बस ये होगा 2,3-dimethyl ब्यूटेन, बोलो 2,3-dimethyl ब्यूटेन 1,4-diol टोलिन का। यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से ब्रेक करा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो दिख रहा, कौन कौन सा C डबल बॉन्ड O है, एक ये भी है और दूसरा वो भी है, तो ऐसे दो तो हो गए, दो हो गए का मतलब कितने कार्बन निकल गए, चार, अभी तीन कार्बन बाकी है। तो यहाँ पे एक है C डबल बॉन्ड O और एक C ये और एक इसके साथ का C और ये इसके साथ ही डबल बॉन्ड O है, है ना। नहीं, ये वाला सी पे नहीं, एक सी हटेगा ना, हाँ यही पूछ, एक सी हटेगा।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर वो जैसे बना था वैसे सही था। यहाँ देखो अब हो गया, क्योंकि वहाँ जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में, कार्बन के बीच में, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन था, तो वो कार्बन तो रिटेन है, तो इसका नाम क्या होगा? अब ये है तो एल्डिहाइड, तो 1, 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3 कैसे लिखे? फंक्शनल ग्रुप को तो छोड़ नहीं सकते। नहीं तो यहाँ से चाहिए, ये वाले से चलोगे किससे? यहाँ से, इस साइड से 1, 2 ऐसे लिखेंगे। 4 कहाँ है? भाई है तो ऐसा ही, एक कार्बन है उसके 2 ब्रांचिंग है, 3 कार्बन हो गए। क्या नाम होगा इसका? लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, प्रॉप। 1, 2 डाई प्रॉप प्रोपेन, 1, 2 डाई एल। दिख रहा साफ साफ लिखा है एल्कीन ए है, और इसका क्या कर रहा? ओजोनोसिस कर रहा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लेना। अगर मान लो किसी ने कहा कि भाई एक कंपाउंड है, ओजोनोसिस के बाद एक कंपाउंड ये बना और एक कंपाउंड ये बना, तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? तो ये पहले वाले से भी आसान है। इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों ऑक्सीजन एक साथ आ जाए। तो कैसे एडजस्ट किया? यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आ गया एक हाइड्रोजन। तो इसको क्या करना है? ऐसे करना है कि जहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एक साथ आ जाए, ऐसे लिखा, पहले का हाइड्रोजन यहाँ पे आया, दूसरे का सी डबल बॉन्ड ओ सी, एक तो इसके साथ में, एक इसके नीचे। ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा क्या? तो सबसे पहले ऐसे करना है कि जहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के हेड टू हेड आ जाए, फेस टू फेस। अच्छा, फेस टू फेस आ गया तो उसे निकाल दो। अब ये बना क्या? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड था ए। क्या था? ए। तो यहाँ पे इसी चीज़ से स्टार्ट करना है। कह रहे एक कंपाउंड है जिसने ये कंपाउंड बना लिया और बाकी 2 अलग प्रोडक्ट भी बना लिए, बी और सी। तो एक प्रोडक्ट क्या है अपने पास? एक प्रोडक्ट क्या है? सी सी एच ओ, यानी ऐसे लिख सकते हैं। यानी इससे ये मालूम होता है इसके दोनों साइड डबल बॉन्ड था, तभी तो दोनों साइड ऑक्सीजन आ गए ना। कह रहे हैं उसके बाद बी और सी बना रहे, बी अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बी क्या दे रहा भाई? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और सी क्या दे रहा? अच्छा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ विच अपॉन स्ट्रॉन्ग हिटिंग गिव्स प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन कब आ सकते हैं? अगर कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट के साथ हिट करा और प्रोपेनॉन आ गया, तो इसका मतलब बाहर क्या निकला था? कैल्शियम कार्बोनेट। बाहर क्या निकला था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकला मतलब एक ऑक्सीजन ही बाहर गई, कम से कम एक ऑक्सीजन तो बाहर गई ना। एक ऑक्सीजन इसके बाहर आने है और एक कार्बन भी बाहर आना है, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक कार्बन भी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें अभी एक कार्बन और बढ़ना है। क्या कह रहा कि सी रिड्यूसेस टॉलरेंस रिजेंट। अगर सी टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस कर रहा तो सी क्या हो सकता है? या तो एल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, यही हो सकते। लेकिन सी में नंबर ऑफ कार्बन कितने अभी तक कुछ बताया नहीं। फिर ये कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्किली इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ मिथेनोइक एसिड एंड मिथेनॉल। यहाँ से मालूम हो गया उसमें कार्बन कितने हैं। कैसे बताओ? क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन क्या है सबके? कैनेजारो रिएक्शन तो ही है ना कि जिसमें कोई अल्फा कार्बन ना हो, वो बेस के प्रेजेंस में डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर उसने क्या बनाया? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और रिड्यूस होकर क्या बनाया? CH3OH। यही बनेगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को डिकोड करना है। कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर लिखे किसके किसके? ए बी और सी के। तो सबसे पहले सी मालूम हो गया, सी क्या था? मिथेनॉल।
तो इसका ये मतलब है कि किसी एक साइड पे तो एक ही कार्बन था, किसी दूसरे साइड पे कितना कार्बन था, तो वो वो प्रोपेनॉन बना रहा, प्रोपेनॉन बना रहा मतलब कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा, तो एक साइड कम से कम चार कार्बन, एक साइड कम से कम एक कार्बन। तो अब यहाँ से चीज़ें आसान है, मुश्किल है? अगर हमें एक बार आइडिया लग गया कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो एक रफ सा आइडिया लग जाता है कि इसमें दो, एक तीन और चार, सात कार्बन होंगे। अब सात कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो सेकंड से एक, तो सेकंड, एक तो सेकंड लास्ट पे है ही है ना, और दूसरे कहाँ पे सोचेंगे? मतलब वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि कैल्शियम सॉल्ट के साथ जनरली डाइमराइज हो जाते हैं। तो अगर चार कार्बन हम समझ रहे हैं, तो इसका मतलब बेसिकली दो कार्बन ही है उसके पास, क्योंकि चार कार्बन तो डाइमराइज होने के बाद है। तो स्टार्ट में कितना था? दो। अगर एल्यूमिनियम होता तो इसका मतलब कि जो भी कार्बन थे उससे थ्री टाइम्स ज़्यादा हो गए। कैल्शियम है तो जो भी कार्बन उससे टू टाइम्स ज़्यादा हो गए। अगर टू टाइम्स ज़्यादा हो गए चार कार्बन है, तो हाफ कितना हो गया? दो। मतलब आसानी से बताया सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या। इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से हुआ कि कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह के स्ट्रक्चर था। कितना टाइम लगा था? कुछ सेकंड लगा था। सौ साल का एक्सपीरियंस बोलते बेटा, सौ साल का एक्सपीरियंस। अब यहाँ देखो, इस वाले केस में क्या कह रहा है कि इथेनल है, उसको ऑक्सीडाइज करा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये रिएक्शन कैसे है? नॉर्मल सा रिएक्शन है। कैसे है नॉर्मल सा रिएक्शन, वो देखते हैं। सी एच थ्री, यहाँ देखो बड़े ध्यान से, बाद में रोना मत। सी ओ एच, और यहाँ भी सी एच थ्री, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या करना है, इसने कैल्शियम सॉल्ट क्रिएट करना है। तो कैल्शियम सॉल्ट क्रिएट करा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, कैल्शियम सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री। अब इसे जब डी कार्बो, जब इसको गर्म करा, तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ दिया। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे तोड़ा? यहाँ से यहाँ तक तोड़ दिया, ठीक है ना, सी एच सी ओ थ्री, ठीक है, सी एच सी ओ थ्री है उल्टा, सी एच सी ओ थ्री बचा गया, बचा गया सी 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 डबल बॉन्ड ओ, नहीं अब क्या, वो तो है ना सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड, ये सारा निकला, ये बना। तो ये पहला पार्ट था, बाकी दूसरा पार्ट जो नेम रिएक्शन था, ये समझ आ गया? इसमें क्या सीखा, क्या सीखा इस वाली केस में? अब तुम्हें वही काम यहाँ पे करना है, देखते करके देखो, कोशिश करो दो मिनट के अंदर से समझने की। कह रहा है कीटोन है, तो कीटोन बना लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। आगे देखते कहता आयोडो फॉर्म ऑन द रिएक्शन विथ आयोडीन, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि इसमें, इसमें एक साइड तो सी एच थ्री है ही है, अगर नहीं होता तो आयोडो फॉर्म टेस्ट देता ही नहीं, तो एक साइड तो फिक्स हो गया। दूसरे साइड देखते, ए ऑन रिडक्शन विथ बी, विच अपॉन हिटिंग गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सी। तो ए को, अभी ए के बारे में पूरा आइडिया नहीं, लेकिन अगर इसे गर्म करा किसके साथ? बी के साथ। अच्छा देख लेते बी के, देखो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जब तुम्हें लगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको नीचे से स्टार्ट करते। कह रहे अल्कोहल है जो पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देते हैं, एक ही अल्कोहल है जो पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट दे रहा, मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस अल्कोहल है वो तो सी एच थ्री सी ओ एच है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते, हो सकता है कि बन जाए, हो सकता है ना बने, ना बने फिर वापस आते। कहते हैं कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या कह रहा, कंपाउंड इज ऑफ अल्कोहल गिव्स पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कह रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो ये है नहीं, तो फिर मामला गड़बड़े, ये फिर मामला गड़बड़े। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता है वो देखते हैं। अगर ऐसे करा तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन आ गए, ऐसे करा तो हो सकते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आयोडो फॉर्म देगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी। उसके ऊपर चल के देखते, कह रहे ट्रीटमेंट विद दिस, ये तो कर दिया मैंने, ए इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन के ओ एच इट। अच्छा अब यहाँ पे एक कह रहा है कि ए जो है एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये फॉर्मूला है, और एसिड हाइड्रोसिस से एसिड और अमोनिया दे रहा,
तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके का है, चार कार्बन पांच कार्बन NH2, इसको हाइड्रोलाइज करा तो पांच कार्बन के एसिड बन गए और एक अमोनिया बना। अब ये कह रहा है कि जो एसिड है इसको ब्रोमीन वाटर के साथ, इसको मैंने ए इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, अगर हम ए को ट्रीट करते ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनेगा, पांच कार्बन की जगह अब क्या बना, चार कार्बन और NH2। और इसको अगर हमने गर्म करा, इसको अगर हमने किसके साथ ट्रीट करा, HONO के साथ, तो HONO के साथ ट्रीट करा तो ये चार कार्बन के अल्कोहल बननी चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो हमें इसे अरेंज करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। तो ये कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, अगर ये बाहर की साइड पे, मान लो हमने इसे बाहर की साइड पे ही रखा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, ये तो रहा OH, ये रह गया कार्बन, ये रह गया दो कार्बन और इस वाली साइड पे एक H, अब हो गए ना चार, चार हो गए, अब ये हो जाएगा, चार हो गए, अब ये हो जाएगा, ये बन गए, ये बन गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। हम लोगों ने क्या चेंज करा इसमें, इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा चेंज करा, क्या चेंज करा, इस बार कार्बन की ब्रांचिंग कर दी है ना, कार्बन की थोड़ी ब्रांचिंग कर दी, ये लीनियर की जगह ब्रांचिंग कार्बन है, ये जो बनाया था अमाइड ये लीनियर नहीं था, इसमें दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है, तो इस बार ये ऐसा ही होगा कि दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग होगी, तो इस वाली केस के अंदर भी हमें यहाँ पे दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करना है, ये बन गया आंसर, ठीक है। ये देखो बना दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग, कहानी पूरी होगी, बन गई कहानी पूरी, फिर से देखना है इसे, फिर से पढ़ना है इसको, पढ़ना है इसको, पढ़ना है, पढ़ो, नहीं तो ये तरीका था, ये तरीका हमेशा लास्ट में करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट